गाइस अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज फ्राइडे है और मैं आज अपनी शॉप पे हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे को कोई काम नहीं किया, मतलब कहीं पे भी नहीं गए ना, व्लॉग स्टार्ट किया था तो बिल्कुल फ्री था, मूड भी था व्लॉग करने पे। तो मैं फिर आगे शॉप ओपन की, बिल्कुल अकेले में अकेला बैठा हूँ। तो अभी बस शाम का टाइम हो रहा है, बाहर अंधेरा पड़ गया। तो दुकान पर मैं इसलिए आ गया था कि कुछ करने को था नहीं, प्लान कहीं का था नहीं बना हुआ, तो ये था कि शॉप पे आके बैठेंगे, थोड़ा मूड फ्रेश होगा तो कुछ करेंगे फिर। सो फ्राइडे आज और कल का व्लॉग जो मैंने अपलोड किया अभी वो पंजाबी में था, क्या आपने देखा है? अगर तो ठीक, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखें और मुझे बताएं कैसा लगा, कमेंट करके। शॉप जी बस क्लोज कर दी अभी, ये एंट्री में भूल गया था, दोबारा शॉप ओपन किया और एंट्री ली अपनी। तो बस दही लेना है, घर से मैसेज आया तो दही लेके चलते हैं घर वापस और जाके खाना खाते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ है। तो चावलों पे दिल है तो देखें अब चावल ही बने हों। तो गाइस अभी दही लेके मैं आ गया हूँ और ये दही रहा। तो ये रोड है जी बड़ी ख़राब सी, ये भी इसकी बस काम इसका शुरू है, जल्द इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी। तो जब ये तैयार होगी मैं आपको तभी दिखाऊँगा, काम इसका स्टार्ट अभी, थोड़ी बहुत सही किया नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो ये सारी रोड ख़राब है, काफ़ी सारी, काफ़ी टाइम से ख़राब है। तो अब जाके इसके भाई आई है, इन घर वालों ने मिल के ये अपना थोड़ा सही किया है, जहाँ से रोटी का आगे से तो सारी ख़राब, इस पर रेत बजरी वगैरह डाली है ने। तो देखो अब ये कब तैयार होती है, ये देखो पानी वगैरह लगा रहे हैं इसको ताकि अच्छी तरह बैठ गए। बन जाती है सड़कें लेकिन दोबारा ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि काम कुछ इस तरह का होता है कि काम में क्या ही बोलूँ। ये सारी रोड बनी हुई है, वहाँ से ख़राब थी तो बस ये भी माशाल्लाह भूखी हो जाएगी। तो जी वाकई घर में चावल ही बन रहे हैं, देखो दवाल मेरी कबूल हो गई, मेरा चावलों को वैसे बड़ा दिन था तो चावल ही वाकई बन रहे हैं, फटाफट बनते हैं फिर खाते हैं। अभी जी रात के 11 हो रहे हैं और आपसे जो मेरा छोटा भाई है उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, यहाँ से स्वेलिंग होने लग पड़ी है अचानक, कहता है कि मतलब गिरा वगैरह भी नहीं हो, पता नहीं क्यों यहाँ से स्वेलिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसके बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेके, पता करते हैं किस चीज़ का दर्द है, मेडिसिन वगैरह या इंजेक्शन जो भी हुआ तो वो लेते हैं अभी जाके। अभी भी बस डॉक्टर के पास आ गए हैं तो चल के पता करते हैं कि किस चीज़ का मसला है इसको। इसको पता ही नहीं है। सो गाइस इंजेक्शन इसको लगा है, वो इंजेक्शन लगवा लिया, इंजेक्शन दो दिन और लगवाना है, तो साथ मेडिसिन की डॉक्टर साहब ने दी है वो दो दिन खानी है, दो इंजेक्शन और लगने इसको, तो बस वो कल इसको इंशाल्लाह लगवाएंगे। तो जी कॉलेज में आ गया था सुबह, राणा साहब आज नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए, मेरी उससे बात तो नहीं हुई, मैसेज उसने किया था कि आज मैं नहीं जा रहा, कोई काम था घर पे शायद उसको। तो अब हमारा कल्चर डे भी आ गया कॉलेज का, कल्चरल डे जो होता है तो उसके लिए ड्रेसिंग अब देखते हैं कौन सी करनी है, आना भी है या नहीं, क्योंकि वैसे मोस्टली इन फंक्शंस में मैं नहीं आता, पहले भी स्पोर्ट्स गाला वगैरह हुआ, बॉनफायर हुई है इस वजह से, तो मैं मतलब नहीं आया पहले भी। तो देखते हैं कि अगर आना हुआ तो फिर भी, ना आना हुआ तो फिर भी। तो बस अभी फ्री पीरियड था तो सोचा कि आपको बता दें क्या सीन चल रहा है व्लॉग का, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है।